एक दिन में होते हैं 24 घंटे। ठीक, इसी प्रकार 7 दिन मिलकर बनाते हैं एक सप्ताह। फिर सामान्यतः 30 दिन मिलकर बनाते हैं एक महीना। और 365 दिन मिलकर बनता है एक वर्ष। यहाँ पर कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद जैसे, पहला अपवाद, जून नवंबर जानिए, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 या 29 दिन की, फरवरी 28 दिन की, बाकी सब 31 महीने में। जून नवंबर अप्रैल सितंबर, ये 4 महीने हमारे 30 दिन के होते हैं। फरवरी साधारण वर्ष में 28 दिन की और लीप वर्ष में 29 दिन की होती है। इसके बाद जितने बचे हुए हमारे महीने हैं वो सब 31 दिन के होते हैं। ठीक, यहाँ पर दूसरी बात जानने की है। दूसरी बात हमारी, जो हमारा ये साल होता है साधारण वर्ष में 365 दिन, 365 को जब 7 से हम भाग देंगे एक सप्ताह से, तो उसमें आएंगे 52 सप्ताह प्लस 1 दिन शेष बचेगा। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर एक जनवरी दो हजार नौ को मंगल, 1 जनवरी 2009 को मंगलवार है, तब 31 दिसंबर महीना 31 दिन का होता है। 31 दिसंबर 2009 को मंगलवार होगा, क्योंकि यहाँ पर यह साधारण वर्ष है। अच्छा, साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर जानने के लिए, ऐसे वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाएं, लीप वर्ष कहलाते हैं। लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं प्लस 2 दिन शेष बचता है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। जब इसको 7 से भाग देंगे तो 52 हमारा भागफल आएगा और 2 शेष आएगा, तो इसलिए 52 सप्ताह हो गए और 2 शेष फल हो गए हमारे, 2 दिन शेष बचते हैं इसमें। तो इस प्रकार ये हमारा लीप वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाए। यहाँ पर देखो 2009 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, ऐसे हमने देखा 2012,
ये हमारा चार से पूर्णता विभाजित है, कैसे, चार पंचे 20, उतारा एक न जाने सिफर, उतारे दो, चार तिक्का 12। तो ऐसे वर्ष जो है 2012 है, 2012 हमारा कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। 2011 हमारा साधारण वर्ष है, 2009 हमारा साधारण वर्ष है, 2008, 2008 हमारा कैसा होगा, लीप वर्ष होगा, क्योंकि वो चार से विभाज्य है। एक लीप वर्ष से दूसरे लीप वर्ष के अंतराल में चार साधारण वर्ष आते हैं। अब यहां पर हमने देखा 1 जनवरी 2009 को मंगलवार था, क्योंकि ये 2009 हमारा एक साधारण वर्ष है, तो तब मंगलवार था। अब एक साल में एक भी दिन आगे नहीं बढ़ा। अगर हम इसमें देखें तो 1 दिसंबर था, इसी प्रकार देखें 1 जनवरी 2010, 2010 दूसरा साल लग गया, 2009 से 2010 आ गया। तो यहाँ पर 52, एक वर्ष में साधारण वर्ष में हमारे 52 सप्ताह होते हैं, तो 52 सप्ताह पूरे होने के बाद एक दिन हमारा जो शेष बच जाता है वो अगले वर्ष में जुड़ जाता है। तो अगले वर्ष में जब जुड़ेगा जाके, तो यहाँ मंगलवार था, मंगलवार के बजाय 1 जनवरी 2010 को, 31 दिसंबर 2009 को, तो मंगलवार ही होगा। ये साधारण वर्ष की बात हम कर रहे हैं। लेकिन 1 जनवरी 2010 को एक दिन बढ़ जाएगा, तो उस दिन क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर हम किसी भी दिन में 7 दिन, जैसे हमारा 1 फरवरी है मान लो, 1 फरवरी में 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या 28 दिन या 70 दिन, कुछ भी जोड़ते हैं जो 7 का गुणक हो, तो जो भी दिन होगा वो वही दिन हो जाएगा। जैसे मान लो किसी भी साल में 1 फरवरी को या 1 दिसंबर को हमारा क्या है, मंगलवार है, तो अगर इसमें हम 7 दिन जोड़ेंगे तो 8 फरवरी आएगी, तो हमारा 8 फरवरी को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। इसी प्रकार अगर हम इसमें इसी में अगर हम 28 दिन जोड़ेंगे, तो 28 दिन जोड़ेंगे तो क्या, मान लो साधारण वर्ष है, कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। तो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में अगर हम 28 दिन जोड़ेंगे 1 फरवरी में, तो हमारा क्या हो जाएगा, 28 फरवरी होगा, एक तो क्या आ गया, 1 मार्च, तो हमारा 1 मार्च, अगर 1 फरवरी को मंगलवार था उसमें 28 दिन जोड़ेंगे तो 1 मार्च को भी हमारा क्या होगा, मंगलवार होगा। ठीक, ये हमारा साधारण वर्ष। एक साधारण वर्ष में अगर 1 जनवरी है तो मंगलवार को है, अगर 1 जनवरी, तो 1 दिसंबर को भी मंगलवार होगा। अगर दूसरा वर्ष लग जाता है तो 52 सप्ताह के बाद एक दिन शेष बच जाता है, तो दूसरे साल में वो क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लीप वर्ष की बात करें, तो लीप वर्ष में क्या होता है, 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन शेष बचता है हमारा। ठीक, तो इसमें इस प्रकार जैसे हमने देखा, मान लो 11 मार्च, 11 मार्च 2011, 11 मार्च 2011 को क्या है, शुक्रवार, अगर इस दिन शुक्रवार है तो अगले 11 मार्च
2012, देखो 2012 हमारा कैसा हो गया, लीप वर्ष हो गया। लीप वर्ष जब हो गया ये हमारा, तो कितने दिन बढ़ जाएंगे, 2 दिन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रविवार। अगर साधारण वर्ष होता तो यहाँ पे क्या आता, शनिवार आता, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। अगर यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, अगर लीप वर्ष लग रहा है तब भी, अगर लीप वर्ष नहीं लग रहा है तब भी, अगर हम 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में 1 साल से दूसरे साल के अंतर्गत जाएंगे, तब केवल हमारा 1 दिन ही बढ़ेगा। और अगर लीप वर्ष चल रहा है, साधारण वर्ष नहीं चल रहा है, ये दोनों कंडीशनों में एक ही दिन बढ़ेगा, चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो। अगर 1 जनवरी, मान लो 1 जनवरी 2011 या 2012 को हमारा क्या है, मान लो, सपोज कर लो, हमारा मान लो रविवार है, जनवरी में, किसी भी जनवरी के किसी भी दिन मान लो रविवार पड़ रहा है, तो अगली जनवरी के दिन, मतलब अगले साल की जनवरी, उसी डेट में क्या पड़ेगा, 1 दिन बढ़ेगा। केवल रविवार पड़ रहा, तो अगली जनवरी अगले साल की जो आएगी, मान लो 2011 की जनवरी में किसी तारीख में रविवार पड़ रहा है, तो 2011 में रविवार पड़ा, तो जनवरी 2012 में क्या पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा, ना कि 2 दिन बढ़ेगी, मंगलवार नहीं पड़ेगा, वहाँ पर क्या पड़ेगा, सोमवार ही पड़ेगा। ठीक, ऐसे ही फरवरी, जनवरी से लेके 28 फरवरी तक एक ही दिन बढ़ता है, चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो। ठीक, अब लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष केवल मार्च से लेकर दिसंबर तक के महीने तक लीप वर्ष में, अगर लीप वर्ष चल रहा है तो 2 दिन बढ़ेंगे। ठीक, जनवरी से फरवरी के बीच में एक ही दिन बढ़ेगा, चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो। अगर लीप वर्ष हो रहा है तो मार्च से दिसंबर के बीच किसी भी डेट को अगली डेट में अगर जाएंगे दूसरे साल की, तो 2 दिन बढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखा, 11 मार्च 2011 को शुक्रवार था, तो 11 मार्च 2012 को क्या हो जाएगा, शनिवार के बजाय 2 दिन बढ़े, रविवार हो गया। ठीक, तो मार्च से लेके दिसंबर, 31 दिसंबर तक, 1 मार्च से 31 दिसंबर तक 2 दिन बढ़ेंगे अगर लीप वर्ष है, और अगर साधारण वर्ष है तो केवल एक ही दिन बढ़ेगा। मान लो हमारे पास एक सवाल दिया है, 15 अगस्त 1997 को कौन सा दिवस पड़ेगा, इस सवालों को, इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला याद करने का तरीका है, हम शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार को हम शनिवार को 0 मानेंगे, रविवार को 1, सोमवार को 2, मंगलवार को 3, बुध को 4, बृहस्पति को 5, शुक्रवार को 6 मान लेंगे। इसी प्रकार ये हमारा हो गया दिन, और इसी प्रकार महीनों को क्या मानेंगे, जनवरी से लेके, जनवरी, फरवरी, मार्च,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनको याद करने के क्या मानेंगे? जनवरी से चालू करेंगे। 14, 40, 25, 03, 61, 46। रविवार से, दिनों को रविवार से लेकर शुक्रवार तक क्या करेंगे? 0, शनिवार को 0, रविवार को 0 से शुक्रवार तक लिखेंगे, शनिवार से शुक्रवार तक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी प्रकार जनवरी से दिसंबर तक लिखेंगे तो उनको क्या कहेंगे? 1, 4, 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6, मतलब 14, 40, 25, 0, 3, 61, 46। 14, 40, 25, 0, 3, 61, 46। ठीक, इसी प्रकार हमारा जो वर्ष होंगे, वर्ष मान लो 2012 से चालू करते हैं। हाँ, इस तरीके का फार्मूला जो हम बना रहे हैं, बता रहे हैं, ये केवल हमारा 1900 शताब्दी तक के लिए ही मान्य है। जैसे हमने बताया 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900। तो शताब्दी के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? शताब्दी के लिए क्या रखें? 6, 4, 0, 6, 4, 0, 6, 4। ठीक, अरे गलत हो गया, क्या करेंगे? 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2, 0, मतलब अगर हमारा 1200 शताब्दी पड़ रहा है तो 6 लिखेंगे, 1300 शताब्दी तो 4, 1402, फिर 1500, 1600, 6, 1704, 1802, 1900 पड़ रहा है शताब्दी तो क्या लिखेंगे? 0। ठीक, अब हम फार्मूला बता रहे हैं। ये हमारे कोड हो गए, ये हमारे दिन के कोड हो गए, सारे दिनों के कोड हैं। शनिवार का कोड 0, रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगल 3, बुध का 4, बृहस्पति का 5, शुक्र का 6। ऐसे ही ये हमारे कोड हैं महीनों के, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 14, 40, 25, 0, 3, 61, 46। और शताब्दी 1200 लेके 1900 के बीच, 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2, 0। ठीक, मतलब 1900 को 0, 1802, 1704। ठीक, अब हमको ये कोड लगभग याद है। ठीक, अब हम फार्मूला बता रहे हैं। फार्मूला होता है दिवस निकालने का, दिवस बराबर दिनांक प्लस महीने का कोड, वर्ष का कोड प्लस वर्ष के अंतिम दो अंक भाग 4, पूरे का भाग 7। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है? दिवस निकाला, दिवस के लिए हमारा दिनांक क्या है? 15। तो दिवस के लिखेंगे सबसे पहले 15। महीने का कोड है अगस्त, तो क्या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नवा महीना है, तो क्या करेंगे? 14, 40, 14, तो हमारा क्या होगा? लिखेंगे अगस्त है तो क्या लिखेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, क्या करेंगे? 14, 40, 25, 0, 3। 14, 40, 25, 0, 3। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 61, 46।
चौदह 40 25 03 146। ठीक, तो अगस्त महीने का कोड हमारा क्या आया? 3। तो यहाँ लिखेंगे महीने का कोड 3। इसी प्रकार वर्ष, वर्ष का कोड, वर्ष हमारा जो हमारा वर्ष मतलब क्या है, 1900। क्या है वर्ष? 1900 मतलब शताब्दी, यही वर्ष मतलब शताब्दी का कोड। ठीक, तो शताब्दी का कोड, शताब्दी हमारी क्या है? 1900। 1900 के लिए क्या होगा? 1200 13 14 15 16 17 18 19, 6 4 2 0 6 4 2 0। 1900 के लिए हमारा क्या हो जाएगा? 0। ठीक, तो हमने शताब्दी का कोड क्या लिख लिया? 0। ठीक, प्लस वर्ष, कौन सा वर्ष है? 97। प्लस वर्ष के अंतिम दो अंक, जो अंतिम दो अंक होंगे उनका पूर्णांक लिखा जाएगा। मतलब उनमें अगर पूर्णांक होगा बनेगा वही लिखा जाएगा। तो हमारा 97 97 अंतिम दो अंक 97 97 को 4 से जब हम भाग देंगे, 4 2 8 मतलब 41 4 4 16, तो हमारा शेष वाला अगर एक बचा उससे कुछ लेना देना नहीं, हमारा इतना आया 24। ठीक, तो यहाँ पर 97 97 बटे 4 उनको 24 लिख लेंगे बटे 7। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 15 प्लस 3 प्लस 0 का मतलब कोई मतलब नहीं, प्लस 97 प्लस 24 बटे 7। ठीक, अब इसको हम जोड़ेंगे, 15 3 18 और 18 97 18 20 38 38 4 42 7 49 और 9 5 14 140 139। क्या बना? 139 बटे 7। अब इसको हम भाग देंगे तो क्या होगा? 7 से जब भाग दिया हमने, 7 1 7 6 9 7 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
कोट क्या आया? 5 आया। जिसको 7 से भाग दिया हमने, 7 से भाग दिया तो हमारा शेषफल क्या बचा? 5 बचा शेषफल। मतलब देख लो फिर, 139 को 7 से भाग दिया, 13 एकम 13, 7 एकम 7, 6, 9, 63, 9, 63, 6 आया। तो क्या आया यहाँ पर? आया 19 प्लस 6 शेष बची है, ठीक। जो हमारा 6 शेष बचा हुआ है, अब इसको हम, ये दिवस है हमारा, क्या है ये दिवस, इस दिवस को हम देखेंगे। जो दिवस हमारा है 6, ये हमारा 6 कब पड़ेगा? शनिवार से शुक्रवार के बीच में, शुक्रवार को कितना होता है? 6, तो हमारा दिन क्या हो जाएगा? शुक्रवार। शुक्रवार का कोड क्या होता है? 6, तो हमारा दिन क्या पड़ जाएगा? शुक्रवार। ठीक, इस प्रकार 15 अगस्त 1997 को क्या था हमारा? शुक्रवार था। ये हमारा फार्मूला हो गया। इसी प्रकार अगर हम आपसे पूछें, जनवरी 1968 को कौन सा दिन था? इसके लिए दिवस का फार्मूला लगाएंगे। दिवस क्या होता है? महीना, मतलब पहले क्या लिखेंगे? दिनांक।
प्लस महीने का कोड प्लस शताब्दी का कोड प्लस वर्ष के दो अंक, अंतिम दो अंक बटे चार भाग सात। ठीक, तो दिवस निकालने का सबसे आसान तरीका, दिनांक कितना है हमारा 12, महीने का कोड है जनवरी, जनवरी जनवरी मतलब 1440, तो जनवरी का होगा क्या एक। अब हमारा शताब्दी कोड है 1900, 1900 का कोड क्या होता है हमारा 0, वर्ष क्या है 68, प्लस वर्ष के अंतिम दो अंक क्या है 68 बटे 4 भाग 7। अब यहाँ क्या, इसको 4 एकम 4, 2 4 7 28, 17 6 68, यहाँ पर क्या आ जाएगा 17। तो अगर इनको सबको जोड़ेंगे तो क्या 12 1 13, 13 7 20 10 30, 68 98, कितना आ जाएगा हमारा 98/7। ठीक, तो हमारा कितना 98/7, तो इसको 7 1 7 7 98 को हम 7 से जब भाग करेंगे, 7 1 7 7 28 7 6 28, क्या बचा हमारा 0, तो शेष फल हमारा क्या बचा 0। शेष फल हमारा 0 बचा तो यहाँ पर दिवस क्या आ जाएगा 0, 0 किसका कोड है शनिवार का। तो 12 जनवरी 1969 को क्या था हमारा, शनिवार था। इसी तरीके से हम शताब्दी वर्ष 1200 से लेकर 1999 तक के बीच किसी भी तारीख को हम उसका दिन ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद, इसका दूसरा पाठ हम जल्द ही लाएंगे।